डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास नाइन्थ के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, क्लास नाइन्थ के लिए हम लोगों ने मैथ्स को जो फॉलो करते हैं, हम लोग एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं, और एनसीईआरटी बुक से हम लोग क्लास नाइन्थ के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि तीसरा चैप्टर शुरू किए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में पोजिशंस के बारे में सीखा था। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर को पढ़ने शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1। अब एक्सरसाइज 3.1 में क्या क्वेश्चंस है, जरा पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों को कुछ इस तरीके से है, पोजीशन ऑफ लैंप ऑन द स्टडी टेबल को आपको पोजीशन दिखाना है, यानी कि आप घर में जो स्टडी टेबल यूज करते हैं ना, उस टेबल पे लैंप को रखना है और उसके पोजीशन को दिखाना है। जैसे मान लिया कि हम यहाँ पे एक टेबल को रख रहे हैं, ठीक है, एक टेबल को यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, एक टेबल को यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, एक टेबल को यहाँ पे हम लोगों ने रखा, ठीक है, एक टेबल को हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, जैसे ऐसे, एक इसका हो गया, इसका हो गया, सपोज दैट, ये हम टेबल बना रहे हैं, टेबल बनाना ही है इसमें। आपको लग रहा होगा कि फालतू है, तो फालतू नहीं है भाई, ठीक है, एक हम लोगों ने टेबल बना दिया, ठीक है, और इस टेबल में आपको क्या रखना है, एक लैंप को रखना है, ठीक है, इस टेबल में एक लैंप को रखना है, जैसे मान लिया ऐसे, एक हम लोगों को यहाँ पे लाइन लाइन दे दिया है कि ये हम लोगों को लाइन ये है, फिर दूसरा लाइन ये है, ऐसे ही तीसरा लाइन हो गया, फिर ये चौथे लाइन हो गया, फिर ऐसे ही पांचवा लाइन हो गया इधर से, और ये छठा लाइन हो गया, फिर ये सातवें, जितना बन सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जितना बनाएंगे उतना ही बनाना है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ये एक तरफ का लाइन हो गया ना, अब दूसरे तरफ का लाइन को ड्रॉ करते हैं, ये हो गया दूसरा तरफ लाइन, फिर ये हम लोगों को तीसरे तरफ का लाइन हो गया, फिर ये चौथा लाइन हो गया, फिर इसके ये हो गया, फिर इसको ड्रॉ कर दिए, फिर इसके मतलब ऐसे तरह का ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हम लोगों का क्या है, स्टडी टेबल है, इसको हम लोग लिख दिए, ये हम लोगों का स्टडी टेबल है। ठीक है, बोल रहे क्वेश्चन में एक्सरसाइज 3.1 में कि हम लोगों का जो स्टडी टेबल है, इस स्टडी टेबल पे एक लैंप का पोजीशन को रख कर आपको बताना है कि लैंप जो है आपका किस पोजीशन पे रखा हुआ है। तो आप देखिए, पहले स्टडी टेबल बना लीजिए। अब इस स्टडी टेबल पे आपको कहीं भी रखना है, ऐसा हम नहीं बोल रहे कि आपको किसी एक सिचुएशन में रखना है। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी पॉइंट्स पे, जैसे मान लिया कि आपको इच्छा हो तो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप लैंप को रख सकते हैं, दैट मीन्स ऐसे, ये हम लोगों का स्टडी लैंप हो गया, यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये किस पोजीशन में है, तो जीरो से यहाँ शुरू और करना है ना, यहाँ पे
एक एक्सिस ये हो गया और यहाँ पे एक एक्सिस ये हो गया, देख पा रहे होंगे। तो यहाँ जीरो से शुरू हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इधर से तो 6 पोजीशन में है, तो इसका लिख देंगे इधर से 6, और इधर से देख लेते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, इधर से 4 पोजीशन में है। तो आप कहीं भी रख के उसका नंबर दे सकते हैं। हम 6, 4 में रख दिए, आप इसमें भी लाइन में रख सकते हैं, जहां आपकी इच्छा है आप इसको रख के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा टेबल पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प इज इक्वल टू, हम जो रखे हैं यहाँ पे 6, 4 में रखे हैं, तो ये हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें बोल रहा था कि आप स्टडी टेबल में एक जो स्टडी लैम्प होता है उसको आप पोजीशन बताइए, ठीक है, आप जो है ना उसका पोजीशन बताइए कि उसका पोजीशन क्या बनेगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देख लेते हैं। तो सपोज दैट हम लोगों को दूसरा जो क्वेश्चन बोल रहा है ना दोस्त, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सिटीज़ के रोड होते हैं ना, जो बड़े बड़े शहरों की जो रोड होते हैं, वहाँ दो रोड है, दो दो ही तरफ का रोड रहता है इस शहर में। कौन कौन सी रोड है? एक रोड जो है आपको नॉर्थ साउथ में है, देखिएगा ध्यान से, हम लोग तो जानते हैं ना ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ मैप में, और दूसरा जो रोड होता है सिटी का, ठीक है, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। यानी बोला गया क्वेश्चन में कि किसी सिटीज के दो ही तरफ का रोड है, या तो नॉर्थ साउथ का या तो ईस्ट वेस्ट का, यही दोनों तरफ का रोड है किसी सिटी में, ठीक है, और किसी सिटी का बात किया जाए तो यही दोनों तरफ का रोड है, और इस सिटीज में बोल रहे हैं कि दोनों तरफ का रोड जो है ना किसी पॉइंट पे कट करते एक दूसरे को, ठीक है। अब किसी पॉइंट पे कट कर गए, बोल रहे हैं कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट में बहुत सारा रोड जो है ना पैरेलल में है, जैसे ईस्ट वेस्ट के पैरेलल में बहुत सारा रोड है, तो ईस्ट वेस्ट के पैरेलल में बहुत सारा रोड, हम लोग और रोड बना देते हैं ऐसे, और रोड बना देते हैं ऐसे, और रोड बना देते हैं ऐसे, बहुत सारा है, देख पा रहे होंगे, इसके नीचे भी हो सकता है। ये किसके पैरेलल है? तो ईस्ट वेस्ट के पैरेलल, ये सब पैरेलल लाइन कहलाता है, ईस्ट वेस्ट में सभी लाइनें खींची गई है, ठीक है। तो बोला गया कि किसी सिटी के रोड हैं, दो तरफ के रोड हैं, एक नॉर्थ साउथ का एक ईस्ट वेस्ट का। तो बोला गया फिर बाद में कि जो भी पैरेलल रोड होंगे ना, ईस्ट वेस्ट के भी पैरेलल में बहुत सारा रोड हैं, और सेम थिंग्स नॉर्थ साउथ के भी ऐसे ही रोड हैं, मतलब कि ऐसे नॉर्थ साउथ के पैरेलल में, तो इसके पैरेलल ये सब सारा लाइंस हो जाएगा, देख पा रहे होंगे ना, यानी कि ऐसी, ठीक है, इधर भी होगा, मतलब कि ऐसे। फिगर थोड़ा सा अच्छा बनाइएगा आप लोग, क्लियर, ठीक है। तो ये हम लोगों को क्या हो गया, बहुत सारे रोड हो गए जो नॉर्थ साउथ के भी पैरेलल हो गया, ईस्ट वेस्ट के भी पैरेलल हो गया। अब बोला जा रहा है ना कि एक मॉडल तैयार करना है, तो ये मॉडल हम लोग अभी तैयार कर ही रहे हैं। ऐसा मॉडल तैयार करना है कि कोई एक व्यक्ति जो है ना वो सेकेंड लाइन पर चलता है, एक व्यक्ति जो है किस पे चलता है, सेकेंड लाइन पर। तो नॉर्थ और साउथ पोल कहाँ कट किया, सपोज दैट यहाँ पर ज़ीरो है, तो कोई व्यक्ति नॉर्थ साउथ में दूसरे पोजीशन पे चलता है, तो नॉर्थ साउथ में दूसरा पोजीशन, तो जीरो है ये, एक और दो, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे जब भी चलेगा तो इसी पे चलेगा, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि इसी पे चलेगा, ये नॉर्थ साउथ का कितना लाइन हो गया, सेकेंड लाइन, तो ये हो गया हम लोगों का सेकेंड, ठीक है, इधर नॉर्थ साउथ में।
फिर बोला गया कि ईस्ट वेस्ट में वो पांचवा लाइन पे चलता है, तो ये जीरो है, 1 2 3 4, एक और लाइन हम लोग ऊपर बनाना चाहिए था, थोड़ा सा जगह नहीं है, 5, तो आप ऊपर बना लीजिएगा एक और लाइन ऐसे, तो ये हम लोगों का फ़िलहाल पांचवा लाइन है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ना मोटा कर लेते हैं, ये हम लोग ईस्ट वेस्ट में कितना लाइन है, तो 5th लाइन है, ठीक है, 5th लाइन है, और दोनों बोल रहे हैं कि किस जिस पॉइंट पे कट करेंगे वहाँ का यही मॉडल हम लोगों को तैयार करना था। तो इसमें कट रहा है 2 पे और इसमें कट रहा है 5 पे, तो इसका पॉइंट का हम लोगों का नाम क्या होगा, 2 एंड 5, 2 एंड 5। तो कुल मिलाकर हम लोगों का बस यही आंसर हो जाएगा कि 2 एंड 5 पर कट रहा है, और यही हमारा हो जाएगा मॉडल, ठीक है। जो ये भी ये सब जो सारा लाइन्स है ना, ये सब शहर की सड़कें हैं, यानी कि रोड ऑफ सिटी, रोड ऑफ सिटी जो लाइन्स ड्रॉ किया गया है ना, ये किसी सिटी के रोड होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोल रहे हैं ना कि हाउ मैनी क्रॉस, कितना क्रॉस होगा, पहला क्वेश्चन है 4-3 को दिखाने में और फिर 3-4 को दिखाने में दोस्त। तो इसको क्रॉस करने के लिए आपको देखना पड़ेगा सबके लिए फिगर, जैसे यहाँ है, ये हो जाता है ओरिजिन, तो हमको पहला सवाल में क्रॉस दिखाना है 4-3 के लिए, तो x में कितना 4, तो इधर से एक लाइन, दो लाइन, फिर 3 लाइन, फिर 4 लाइन, ये 4 लाइन हो गया, और फिर y में कितना लाइन, 3 लाइन, यानी y मैंने ऊपर, एक लाइन हो गया, फिर 2 लाइन हो गया, और यहाँ से 3रा लाइन, तो x में हम लोगों का 4 और y में 3, तो ये हम लोगों का हो गया 4,3, ठीक है। उसी तरीके से और भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना ही लिखें। तो सेम थिंग आप क्या कर सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन यानी कि 3 और 4 को भी आप इसी तरीके से खुद से बना सकते हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है हम लोग दिखा दिए हैं, उसी तरीके से ज़रा इसका अच्छा सा नाम लिख दीजिएगा, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ठीक है। उसी तरीके से आपको ना 3-4 को भी उसी ग्राफ में जैसे हम लोग इसको बनाए हैं, तो एक क्वेश्चन हम लोग तीसरा का जो है दूसरा क्वेश्चन में 3-4 है, इसको हम आप पे छोड़ते हैं, आप ज़रूर इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में अगले दिन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 के कुछ थ्योरीज़ को, 3.2 के कुछ क्वेश्चंस को। तो आज के क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।